एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है और आज इफ्तारी, आपको पता है कि मेरा तो रोजा है और आज इफ्तार में फिर कोई स्पेशल सी चीजें बन रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ब्लॉग भी बनाया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा सब कहते हैं कि आप डेली ब्लॉगिंग किया करें, तो मैंने सोचा चलो डेली ब्लॉगिंग कर ही लेते, जितना हो सकता है रमजान में ब्लॉगिंग कर ली जाए। तो अभी बन रही है समोसियाँ, पंटास रोल, मैं आज आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी और आप लोगों ने ऐसी मेरे साथ रहना है और एंड तक मेरा ब्लॉग देखना है। तो अफ्तारी में मैं लेके आई थी रोल पट्टी, उसके हम समोसे और रोल बना रही थी। ये मटेरियल था आलू का और सबसे पहले मैंने उसको कट किया शेप में, समोसे की और रोल की शेप में कट किया। मुझे आते नहीं है बनाने, बट मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे बनाने आ जाए। मेरी वैसे आप लोग बना लो, कभी जिंदगी में नहीं खाऊं करना। तो अभी मैं यहाँ पे इनको कर रही थी सेपरेट सेपरेट, क्योंकि एक पूरी पूरी लेयर होती है, तो मुझे काम तो आता कोई नहीं करना, लगी मैं भी होती हूँ, बट मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे आ जाए बनाने और मैंने थोड़ा बहुत सीख भी लिया। सो अभी यहाँ पे मैं समोसा बना रही थी, बट मुझसे बन नहीं रहा था। मैं जैसे इसको बनाती थी तो उसकी लेयर या तो वो कहीं से ठीक नहीं होता था, या ये देखे भी मैं रोल बना रही हूँ और वो चिपक ही नहीं रहा था, तो उसी बात पे मुझे हंसी आई जा रही थी। तो सब हंस रहे थे कि इसको समोसे नहीं बनाने आती। तो हमारे समोसे हो गए हैं रेडी और अब बारी है इनको डीप फ्राई करने की, और अभी हम पकौड़े भी बना रहे हैं, फ्राइज भी बना रहे हैं, वो भी आप सबको मैं दिखाती हूँ। एक तो मेरी मामा इतनी तेज प्याज काटती है, मैं इतनी तेज काटू 10-12 कट आराम से लगा दूंगी आपको। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन, पकोड़े बन रहे हैं पालक वाले पकोड़े। वैसे मुझे पकोड़े इतने पसंद नहीं है, लेकिन मैं खा लेती हूँ। मामा बना रही थी पकौड़े का मटेरियल और यहाँ पे मैं फ्राइज रेडी कर रही थी। आप सोच रहे होंगे कि ये तो कहती थी कि मेरे कट लग जाएगा, ये इतनी तेज़ कैसे काट रही है। मैंने इसको स्पीड पे कर दिया है वीडियो को, ऐसा नहीं हो सकता मैं इतनी तेज़ काटूँ, मेरे हाथों में वैसे ही कट लग जाए और ब्लड भी निकलना स्टार्ट हो जाए। तो मैं तो बहुत ज़्यादा स्लो काटती हूँ और ये मैंने तो स्पीड में कर ली, क्योंकि व्लॉग लंबा हो जाना था। सो मैंने आलू छील लिए फ्राइज के लिए और मैंने खुद छील लिए, ठीक है ना, बट मेरे हाथों में कट नहीं लगा फर्स्ट टाइम, बट वरना मेरे हाथों में कट लग जाता है। तो अभी हम फ्राई वगैरह करेंगे, फिर वो भी दिखाऊंगी। और अब टाइम हो गया था इफ्तार का, और उससे पहले दुआ मांगनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने माँ बाप के लिए, अपने फ्यूचर के लिए बहुत सारी दुआएँ होती हैं। तो अब स्टार्ट में हो गई अफ्तारी करना, सीरियसली भूख नहीं इतनी लगती है, बट प्यास बहुत लगती है। बट शुक्र है मुझे बिल्कुल भी इस बार रोज़े नहीं लगे बिल्कुल भी, क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जैसे जितने भी रोज़े हैं बहुत अच्छे जा रहे हैं और आगे भी अच्छे ही जाएँ। सो अब मैं देख रही थी बुलबुल यार लेटी लेटी, क्योंकि अफ्तारी के बाद बहुत ज़्यादा थक गई थी, पता नहीं क्या हो जाता है, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ अफ्तारी के बाद। तो यहाँ पर बुलबुल देख रही थी, उसके बाद आप देखें आगे क्या होता है। तो ऐसे ही मुझे लेटी लेटी नींद आ गई, बट मैं उठी, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, वो क्या आपको पता है नमाज तो पढ़नी ही होती है आम दिनों में भी, और रमज़ान में तो बिल्कुल भी नागा नहीं करना होता। उसके बाद बारी आती है कुरान पाक की, जो कि मुझे डेली पढ़ना होता है, उसके बाद देखें आगे क्या होता है। तो मैंने नमाज पढ़ ली है और मैं फ्रेश भी हो गई हूँ, मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए हैं, और अब क्या करें, अब टाइम है चीची का। आइए कॉन्फिडेंस। वैसे क्या आप लोगों को पता है मुझे चीची बहुत पसंद है और मैं चीची खाती भी बहुत ज़्यादा हूँ।
तो अब हम स्टार्ट करेंगे ये मेरे फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक से, तो मुझे बहुत पसंद है। खत्म हो गया, अब हम खाएंगे लेज। सो ये था आज का व्लॉग, आई होप आप लोग मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।